इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल, इन सभी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस अवार्ड के डायरेक्टर और सीईओ ने मिस्टर मोहम्मद ने ऐलान कर दिया है कि अब सिद्धार्थ और शहनाज इस अवार्ड का हिस्सा नहीं रहेंगे। क्या है पूरा मामला शहनाज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और अब मैं बताती हूँ कि सिद्धार्थ के बारे में क्या है कहना। दरअसल पहले मैं आपको कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ जो उन्होंने शेयर किए हैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जो उनकी चैट हुई थी और जिस तरह का उन्होंने लाइव पर खुद दावा किया था उसका प्रूफ देते हुए उन्होंने चैट को शेयर किया है। सिद्धार्थ इवन एकता कपूर मैडम इस पोस्टिंग, तो उनका ये दावा है कि जब सिद्धार्थ को उन्होंने पोस्ट करने के लिए कहा तो सिद्धार्थ ने उनसे फोन पर पैसे मांगे। हालांकि जो चैट है देखो दैट ऑल्सो इन टाइमलाइन, बट जस्ट टू पोस्ट यूर ओन पोस्ट वंस मोर यू डिमांडेड मनी आई फेल्ट बैड फॉर दिस, तो उन्होंने ये मैसेज में लिखा है। लेकिन हालांकि इस पर सिद्धार्थ ने कोई रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन उनका ये दावा है कि उनके पास वो सारे प्रूफ है जिसमें सिद्धार्थ ने उनसे पोस्ट करने के पैसे मांगे। और उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि सिद्धार्थ का ये डिमांड थी कि अगर बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट को कोई भी अवार्ड मिलता है तो वे इस अवार्ड का हिस्सा नहीं रहेंगे। ट्रॉफी की पिक उन्होंने मांगी और वेन्यू भी पूछा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर वो जो है काफ़ी नाराज हुए, निराश हुए। और 12 लोगों की प्यूरी ज्यूरी है इस अवार्ड की, ये सीजन 6 है, इससे पहले भी ये 5 सीजन हो चुका है, बड़े बड़े लोगों को अवार्ड मिला है। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों ने मिलकर इस तरह का एक डिसीजन लिया है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस अवार्ड का हिस्सा नहीं रहेंगे। आइकॉनिक स्टार ऑफ इंडिया के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, तो अब जो है वो इस कैटेगरी में हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने शहनाज के भी नॉमिनेशन को जो है कैंसिल किया है। उनका ये कहना है कि अगर सिद्धार्थ को लाइव पर नहीं आना या किसी भी सेलिब्रिटी को लाइव पर नहीं आना उससे वो आहत नहीं है, लेकिन अवार्ड के लिए पैसे मांगना, पोस्ट के लिए पैसे मांगना, इन चीज़ों से वो काफ़ी आहत है। मेरी खुद पर्सनली बात हुई है मिस्टर मोहम्मद से और उनका ये दावा है कि उनके पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ों के दावे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बाद ये अवार्ड जो है काफ़ी चर्चा में आ गया है, विवादों में आ गया है। एक बात तो साफ है कि सिद्धार्थ और शहनाज के जब भी नॉमिनेशन डिक्लेयर होते थे वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड होते थे, उनके फैंस जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते थे। तो अब इन दोनों ही बहुत ही बड़े पॉपुलर नेम हैं, चाहे मैं सिद्धार्थ बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, शहनाज कौर गिल एंटरटेनर रह चुकी हैं बिग बॉस की, ऐसे में क्या इन दोनों के ही नॉमिनेशन कैंसिल हो जाने के बाद क्या इस अवार्ड में उतनी ही क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, क्या फैंस जो है उसको वैसे ही सपोर्ट करते रहेंगे? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, क्या इस विवादों के बाद, इन चर्चाओं के बाद क्या वाकई में इस अवार्ड को फ़ायदा होगा? क्या सिद्धार्थ और शहनाज के निकल जाने के बाद क्या इस अवार्ड के लिए उतनी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी? दरअसल इसमें अभी तक सिद्धार्थ और शहनाज की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इन दोनों की तरफ से किसी भी तरह का अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, उनका कोई जवाब आता है, तो वो भी मैं आप तक लेकर आऊँगी। लेकिन फिलहाल ये सारा का सारा दावा जो है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के डायरेक्टर ने किया है, तो इंतज़ार करते हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फिलहाल उन्होंने इन दोनों के नॉमिनेशंस को कैंसिल कर दिया है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, क्या सही है क्या गलत, आपकी क्या राय है? आपने भी वो लाइव देखा है, आप भी जानते हैं सिद्धार्थ और शहनाज की जर्नी को, आप लोगों ने भी देखा है, आप लोग फैंस हैं, आप भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत, आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।